नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। दोस्तों लाइक और शेयर करिए ज़रूर, आपको राम राम जी। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ कि दोस्तों पहले क्या होता था कि जो लेंडी खत बकरी ब्याड़ का और गाय का जो गोबर मिलता था, वो गोबर ज़्यादातर खेती के लिए लोग खाद डालने के लिए करते थे। हाँ, हमारे इधर उसके लिए ज़्यादातर, और दूध के लिए। जैसे घर में बच्चे रहते थे, दो दो तीन तीन भाई के बच्चे, दो दो हो गए तो भी उनको दूध चाहिए। और जैसे पहले भाजी, हमारे इधर सब्जी बहुत कम होती थी दूध के लिए और गोबर के लिए। जैसे फसल में इधर उधर, जैसे हमारे इधर खेती जैसे फसल के लिए ठीक किया तो बस वो उसके बाद खेती डालते थे, जैसे गर्मी के दिन उसके लिए ज़्यादातर। जैसे जैसा दिन बदल जाते हैं वैसा भी दोस्तों लोगों का ये बदल जाता है। पहले जैसे दूध के लिए और गोबर के लिए या लेंडी खत के लिए लोग खेती के एनिमल पूरे पालते थे, जैसे गाय, भेड़ बकरी। तो आजकल लोग पैसे के लिए पालते हैं। हाँ, आज जर्सी जैसे पालते हैं, चलो लगे 10 दिन में पेमेंट आता है। और जैसे आजकल क्या होता है, उनको भाव भी ठीक से नहीं मिल रहा है, इसीलिए ज़्यादा लोग तरस जाते हैं। जैसे हर दिन 2 टाइम एडजस्ट होना, उनको दूध निकालना, खाना डालना, उनको नहलाना, उनको हर दिन चारा निकालना, वही काम हर दिन का बोलो तो बहुत लोग तरस जाते हैं, बहुत तरस जाते हर दिन का। उसने ही काटना है, उसने ही दूध निकालना है, उसने ही दूध पहुँचाना है, सभी बातों में ज़्यादातर लोग ही होते जाते, बहुत कटे कष्ट। और फिर भी दूध का दाम कम हो जाता है, फिर खाद का भी दाम उस टाइम हो जाता है, खली जो भूसा रहते हैं उसे, तो ऐसा उचित दाम नहीं मिलता, ऐसा बहुत लोगों का कहना है। अब बहुत जैसे तरस गए रहते लोग, अभी मेरा देखते हैं ना भेड़ बकरी तो लोग बोलते यार तेरा अच्छा है। लेकिन इसमें भी है दोस्तों, गर्मी के दिन बहुत इसमें परेशानी होती है, जैसे बारिश के दिन, बारिश के टाइम ज़्यादा बीमारी रहती है, और बारिश समझ लो लग गई तो बारिश के टाइम चराना मुश्किल रहता है। हर मौसम में हर तकलीफ अलग अलग है, ज़रूर है। लेकिन दोस्तों जर्सी गाय और जैसे दूसरे एनिमल संभालने से ये सभी कंपैरिजन में ये अच्छा है। बहुत जैसे वीडियो में बोलते गया हूँ। हाँ, और दोस्तों मैं ऐसी जानकारी लाता रहूँ, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको एक लाइक बटन टच करने में ज़्यादा आपको ये नहीं लगता, जितना टाइम टच करते उतना ही नेट खर्चा होता है, उसमें ज़्यादा कुछ आपका पैसा खर्चा नहीं होता, इसलिए ये करिए। और इसका खाद कैसा है मालूम है क्या, लेंडी खत। समझ लो आपकी इधर बारिश कम हो जाती है, बारिश कम हो जाती है इसलिए जो एक खत होता है उस 6-7 साल तक आपको पावर देता है। जैसे गाय के कंपैरिजन में देखा जाए, जैसा गाय का 50% आपको फायदा देता है जर्सी गाय का, तो जैसे गावरन गाय जो देसी गाय रहते हैं अपना, वो 100% फायदा देती है। और ये लेंडी खत जो है भेड़ बकरी का, ये 1000 गुना फायदा देता है। इतना पानी पकड़ के रखता है, जैसे सभी फसल के लिए सभी अच्छा है, इतना भारी इसका लेंडी खत। तो जर्सी गाय और गाय के कंपैरिजन में 1000 पट भारी है, और 6-7 साल वो काम में आएगा ऐसा है। और गोबर का कैसा है मालूम है क्या, वो धीरे धीरे जैसे 100% 50% जो फायदा देता है, वो धीरे धीरे आपको खेती में काम में आएगा, फसल में। लेकिन ये जैसे तुरंत काम में आता है, जैसा है और 7 साल तक चलता है, इसलिए यही खाद को बहुत मांग है। हाँ, अभी जैसे हमारे इधर ये ट्रैक्टर 3-3.5 हज़ार तक जाता है, लेकिन आज के तौर आपको झूठ लगेगा, 7,500 रुपये एक ट्रैक्टर को लगता है। अभी एक ट्रैक्टर रहता है एक ब्रश के आगे ट्रैक्टर हमारे इधर रहती नहीं, उसका जो ट्रॉली रहता है वो। तो देखो कितना मांग है इसको, इसका दूध भी भारी, इसका खाद भी जैसे लेंडी खत जो है वो भी भारी, और संभालने में भी भारी, और इनको खाद भी कम लगता है। समझ लो 3-4 किलो एक टाइम का खाना खाती है, चारा खाती है, तो जैसे ही उसको एक टाइम एक भी किलो मिल गया जैसे कमी के टाइम तो भी चलता है। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हर दिन घुमाना है, जैसे आपका कोई कारण है वो नहीं चलता, ऐसा है दोस्तों। तो ये सबसे भारी है, और ये सभी खेती में कौन सा भी आप कंपेरिजन में उतरो, थोड़ा स्टडी में जाओ आप, तो आपको ये भारी लगेगा। भेड़ और बकरी, भेड़ से बकरी से भी भेड़ अच्छा है।
हाँ, कई तुलना में बहुत अच्छा है, बहुत कम श्रम है उसमें, और बहुत इको फ्रेंडली प्राणी है, और बहुत शिस्त, बहुत जैसे बहुत डिसिप्लिन वाला है। लाइक करो, शेयर करो। जय जवान जय किसान। रामकृष्ण।